प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंबई महानगर पालिका के हद में बिना मास्क के घूमने वालों की अब खैर नहीं है। चाहे मुंबई महानगर पालिका हो या फिर ठाणे महानगर पालिका, बिना मास्क के घूमने वालों पर दंड वसूलने का काम शुरू कर दिया है। मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने आज कई जगहों पर नाकाबंदी कर जिसमें बाइक चालक, कार चालक व पैदल चलने वाले लोगों से 200 रुपए फाइन वसूलना शुरू की है। ये तस्वीर है मुंबई यानी बीएमसी की। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में जो है बीएमसी के कर्मचारी इस बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर दंड वसूल कर रही है और 24 अलग अलग टीमें तैयार की है जो बिना मास्क के मिलने वालों पर कार्रवाई कर रही है। वही ठाणे महानगर पालिका की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें ठाणे में बिना मास्क के घूमने वाले बाइक, कार व पैदल यात्री पर 500 रुपए दंड वसूला जा रहा है। साथ ही यहां भी कई टीमें तैयार की गई है जो अलग अलग जगहों पर तैनात है। और दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं सायन अस्पताल की। सायन अस्पताल की लापरवाही सामने आई, इलाज के लिए भर्ती कराया गया जिसकी मौत हो गई थी और परिवार वालों को डेड बॉडी देने के बजाय किसी और को सौंप दिया और उसने अंतिम संस्कार भी कर दिया, जिसके बाद सायन अस्पताल में हंगामा मच गया। यानी एक तरफ से यह कह सकते हैं डॉक्टरों की, कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डेड बॉडी अदला बदली कर दिया और मृतक के परिजनों का कहना है अंतिम संस्कार भी कर दिया। हमारे हाथ में उन्होंने बॉडी ना दी और कुछ बताया भी नहीं कि आपका भाई की कहा गया है और कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने दूसरे के हाथ में सौंप दिया हमारा भाई का बॉडी और उनका बॉडी उधर ही ये दूसरे आदमी का भी बॉडी आपको दिया गया था किसी? नहीं नहीं कुछ नहीं, ये कोई बॉडी आपको मिली नहीं, नहीं। और अभी अस्पताल में क्या बता रहा है आपको, आपकी बॉडी मांगेंगे तो? हम लोग को बता रहे हैं कि हमारी बॉडी उधर नहीं है, उन्होंने अंत संस्कार उस पे कर दिया है। अच्छा, दूसरे किसी ने अंत संस्कार कर दिया? अंत संस्कार उसके ऊपर कर दिया है। वही परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि किडनी का मामला है। इस मामले में 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है मुंबई महानगर पालिका ने। इस पूरे मामले में चौकसी करने की यानी जांच करने का आदेश दिया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।